ये विस्तार असीम की ओर का जिक्र कि ये परमात्मा ये निराकार सीमित नहीं है ये हमेशा से था रहेगा अभी भी है कण कण में है एक कोई भी ऐसी जगह नहीं जहाँ इसकी मौजूदगी ना हो ये स्थिर है अजर है अमर है ये खंडित नहीं हो सकता ये जल नहीं सकता ऐसे ही कोई भी अगर धर्म ग्रंथ उठा लें तो ये परमात्मा की परिभाषा हर एक ने यही समझाई कि यही ये विराट रूप हर जगह है और ऐसे परमात्मा को जाना जा सकता है ये ब्रह्म ज्ञान द्वारा हर कोई अपने जीवन में इस परमात्मा को शामिल कर सकता है और हर समय फिर परमात्मा के एहसास में बिताया जा सकता है ये भक्ति की जा सकती है ये सामाजिक पारिवारिक कोई भी कार्य में जब इस परमात्मा को शामिल कर लेते हैं तो एक बहुत ही सुंदर रूप बन जाता है और हर पल ही भक्ति बन जाता है